इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया भारत की पहली वनडे सीरीज 2019 की और इसका पहला मैच जो कि खेला जाएगा 12 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में 7:50 में भारतीय समय अनुसार। इस सीरीज में भारतीय टीम 3 वनडे मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज के बारे में पहले वनडे की प्लेइंग 11 के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ओपनिंग बल्लेबाजों की। तो ओपनिंग में यहाँ पर आएंगे दो ओपनर जो आप जानते ही हैं, शिखर धवन और रोहित शर्मा। दोनों शानदार तरीके के बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा इस सीरीज में वाइस कैप्टन होंगे, वहीं पर शिखर धवन काफ़ी दिनों के बाद वनडे टेस्टों के बाद अब वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे हमें। टेस्ट मैच में इन्हें जगह नहीं मिली थी लेकिन वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। वहीं पर रोहित शर्मा तो शानदार फॉर्म में है ही। तो इन दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद है कि इस सीरीज में भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिला के पहले ही मैच में बढ़त दिलाएं। वहीं पर इसके बाद आते हैं नंबर 3 पर विराट कोहली। विराट कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और वनडे में तो इनका फॉर्म लाजवाबी है। और अगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है तो इनका चलना जरूरी है, क्योंकि ये जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ये भारतीय टीम के लिए काफ़ी ज़रूरी है इनकी बल्लेबाजी। वहीं पर बात करें नंबर 4 की, तो यहाँ पर आएंगे अंबाती रायडू। काफ़ी दिनों से भारतीय टीम नंबर 4 के बल्लेबाज को ढूंढ रही थी लेकिन इसका हल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मिल गया, जहाँ पर शानदार पारी खेली थी अंबाती रायडू ने और यहाँ पर नंबर 4 का स्थान फिक्स कर लिया इन्होंने। तो नंबर 4 पर अंबाती रायडू खेलते हुए नजर आएंगे हमें। वहीं पर नंबर 5 पर आएंगे महेंद्र सिंह धोनी। विकेट कीपिंग में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है और बल्लेबाजी भी इस बार उम्मीद करते हैं कि शानदार बल्लेबाजी करें। 2019 में इनके लिए शानदार रहने वाला है क्योंकि वर्ल्ड कप में ये अहम रोल निभाएंगे। तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी नंबर 5 पर हमें खेलते हुए नज़र आएंगे और एक शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज का जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं पर बात करें नंबर 6 की, तो यहाँ पर आएंगे केदार जाधव। जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं वो काफ़ी काबिले तारीफ है और बल्लेबाजी के साथ साथ शानदार गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो इनकी भूमिका एक ऑलराउंडर की रहेगी इस टीम में और नंबर 6 पर ये खेलने उतरेंगे। वहीं पर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर चोट के बाद वापसी करेंगे हार्दिक पांड्या। एशिया कप में चोटिल हुए थे हार्दिक पांड्या, उसके बाद ये अब तक वापस टीम में वापसी नहीं कर पाए लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पे ये अब यहाँ पर वनडे सीरीज में वापसी करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं एक शानदार वापसी करें टीम इंडिया के लिए और पहले ही मैच में टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाए। नंबर 7 पर ये खेलने उतरेंगे बल्लेबाजी के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर बॉलरों की कि कौन से वो 4 बॉलर हैं जो इस टीम में खेलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव। शानदार गेंदबाज है चाइना मैन और ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में भी काफ़ी परेशान किया था ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को और यहाँ पर एक बार फिर कमाल करते हुए नजर आ सकेंगे ODI में भी। वहीं पर इनके साथ हो सकते हैं यहाँ पर युजवेंद्र चहल। अगर टीम इंडिया 2 स्पिनर के साथ उतरती है तो फिर युजवेंद्र चहल का स्थान पक्का है। 2 स्पिनर और 2 फास्ट गेंदबाजों के साथ उतरती है तब इनका स्थान पक्का है। यानी शानदार गेंदबाज है युजवेंद्र चहल, जैसा कि इन्होंने कई बार ये प्रदर्शन करके दिखाया है। अगर ये दोनों 2 स्पिनर उतरते हैं तो फिर ये जोड़ी कमाल करके दिखाएगी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की। दोनों शानदार गेंदबाज हैं। वहीं पर इसके बाद तेज गेंदबाजों की बात करें तो यहाँ पर आते हैं जसप्रीत बुमराह टेस्ट सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं वनडे में भी ये प्रदर्शन जारी रहे और टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाए। इनकी गेंदबाजी को परखना आसान नहीं है किसी भी बल्लेबाज के लिए क्योंकि इनका एक्शन ही काफ़ी शानदार है। वहीं पर इनके साथ आते हैं भुवनेश्वर कुमार, ये भी काफ़ी शानदार गेंदबाज हैं, स्विंग के बादशाह हैं और एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए तैयार हैं इस ODI सीरीज के लिए और पहले ही वनडे में कमाल करके दिखाएंगे। तो यही थे गेंदबाज। अब बात करें हम यहाँ पर कि एक गेंदबाज कौन सा चेंज हो सकता है। तो अगर 3 तेज गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया उतरती तो फिर यहाँ पर मोहम्मद शमी या फिर खलील अहमद, दोनों में से किसी एक को खेलने का मौका मिल सकता है अगर एक स्पिनर के साथ ही उतरती है भारतीय टीम। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम भारतीय टीम को यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। एक बार फिर इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाले हैं, तो यहाँ पर रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, अंबाती रायडू, MS धोनी, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, यजवेंद्र चहल या फिर मोहम्मद शमी और खलील अहमद में से एक, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार। तो यही टीम होगी भारतीय टीम की पहले वनडे के लिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए क्रिकेट की। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।